the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन सो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिकों के बारे में ब्लड प्रेशर के कंफ्यूजन के बारे में आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है आपको दवाई लेनी है या नहीं है आपको डाइट करनी है या नहीं है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा या जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी या एक बार चालू हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस दवाई को बंद नहीं कर सकती भाई ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी अद्भुत 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 बातें हैं दुनिया में के देख के अचंभित हो जाते हैं हम तो आपको भी दिखा देते हैं आपसे भी बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में ऐसी अचंभित बातें आती कहां से भाई ये आखिर इसके स्रोत कौन है स्रोत स्रोत और स्रोता आई मीन एनी सो लेट्स टॉक अबाउट द मिथ्स ऑफ हाइपर टेंशन विथ यू एम डॉक्टर परमजीत यू वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट इट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि भाई मुझे ब्लड प्रेशर है या नहीं मेरा बीपी कभी ऊपर कभी नीचे कभी नहीं दाएं कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं कहीं भी जाता है तो ब्लड प्रेशर है कि नहीं मुझे दवाई लेनी है या नहीं तो दोस्तों आंसर इज कि यस yes. सबसे बड़ा पता है कई बार कई सारे मेडिकल स्टूडेंट को बल्कि हमें भी मुझे भी मेडिकल स्कूल में जाने के बाद यह चीज क्लियर नहीं होती है हमें तो ऐसा लगता है भाई हाँ सबको ऐसा लगता है सबको बल्कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ब्लड प्रेशर जो है वो तो है मेरा ब्लड प्रेशर 120 80 है मेरा ब्लड प्रेशर 110 है मेरा ब्लड प्रेशर 130 रहता है मेरा ब्लड प्रेशर 140 रहता है भैया यू आर मिस्टेकन ब्लड प्रेशर इज नेवर कांस्टेंट ब्लड प्रेशर इज नेवर फिक्स्ड इट ऑलवेज 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 फ्लक्चुएट बहुत सारे लोग तो यही लेके आते हैं कि सर मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है मुझे बचा लो है मुझे कोई बीमारी हो गई है? है भाई साहब नहीं हुई है आपको कोई बीमारी आप जो है सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी के शिकार हैं आप जो है कतई नॉर्मल हैं और कतई आपको कोई बीमारी नहीं हुई है ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है हमने अपने कई वीडियो में बताया है तो समझने वाली बात यह है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है तो चलो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है तो फिर हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं मतलब आपका ब्लड प्रेशर एक सौ बीस अस्सी भी रह सकता है एक सौ तीस भी रह सकता है एक सौ चालीस एक सौ पचास एक सौ साठ सत्तर अस्सी नब्बे दो सौ तो ब्लड प्रेशर दो सौ भी जा सकता है कब जाएगा जब आप एक्जर्शन पे है जब आप दौड़ रहे हैं जब आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तब जाएगा फ्री फालतू में बैठे बैठे जा रहा है तो हो सकता है आपको घबराहट हो रही है एंजाइटी हो रही है कोई मन में अजीब गरीब ख्याल आ रहे हैं हो सकता है ऐसा कुछ हो मगर किंतु परंतु हाइपर उसको कहते हैं जो लगातार कंटिन्यूस अगर हाई ब्लड प्रेशर है कम ही नहीं हो रहा है तब उस इंसान को दवा लेनी पड़ती है क्योंकि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है लंबे समय तक अगर रहता है तो भैया बहुत समय समय तक रहेगा बहुत समय समय तक रहेगा तो कोई सिम्टम तो पैदा नहीं करेगा लेकिन अंदर ही अंदर आपके खून की नसों को डैमेज करेगा इट इज वेरी डैमेजफुल जस्ट लाइक अगर आपके टायर में आपकी गाड़ी के टायर में हवा ज्यादा होती है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो जल्दी खराब हो जाएगा कम होती है तो भी खराब हो जाएगा इसलिए ब्लड प्रेशर ना ज्यादा ना लॉन्स ऑप्टिमम होना चाहिए और वो एक रेंज है इतने से इतना रह सकता है वैसे हमारी रेंज है सो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारे मिथ घूम रहे हैं पहला बहुत भाई साहब बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर एक बार 140 पहुंच गया था मुझे दवा खानी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं है अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 है और आप थोड़ी देर रिलैक्स करते हो और वो 130 आ जाता है 130 से नीचे आ जाता है यू डोंट नीड मेडिसन यू डोंट नीड मेडिसिन माय फ्रेंड यू जस्ट नीड रिलैक्सेशन एंड यू जस्ट नीड डाइट एंड एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल चेंजेस इन बी गुड राइट दस द बेस्ट थिंग भाई अच्छी बात है डाइट लाइफ चेंजेस करनी बस आप ठीक रहोगे है गी? और दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि सर ऐसा कैसा आपकी मशीन खराब आपकी मशीन खराब है मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा मेरा ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो सकता है तो भैया यू आर स्टिल मिस्टेकन योर ब्लड प्रेशर विल नेवर प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स नो जीरो अंडा गुड़ गुड़ पानी लुल जीरो बटा लुल ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता ब्लड प्रेशर हाई होने का सिम्टम आता है जैसे टायर में हवा ज़्यादा होने का कोई सिम्टम नहीं आता कोई सिम्टम नहीं आता सिम्टम आता है जब टायर ज्यादा होने के बाद खराब होने लगता है जब खराब होकर फटने लगता है तब सिम्टम आता है तो so, सिम्टम का इंतजार करोगे तो बेवकूफी करोगे बेवकूफी करोगे डोंट डू दैट ओके सो इफ यू फील फाइन यू कैन स्टिल हैव हाइपर टेंशन सो वॉट नीड्स टू बी डन यू नीड टू चेक इट रेगुलरली आफ्टर अ सर्टन एज थर्टी थर्टी फाइव की एज के बाद आपको ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना पड़ेगा वन ऑफ द गुड वेज इज टू स्क्रीन योर ब्लड प्रेशर विथ दिस काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट गोकी का ये इंस्ट्रूमेंट है ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है फिर से बता रहा हूँ ये गोकी का इंस्ट्रूमेंट है इसमें आप ब्लड प्रेशर देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं दिस इज अ स्मार्ट वॉच फ्रॉम गोकी एंड इट इज़ टेक्निकली मेडिकली अप्रूव्ड एज अ मेडिकल डिवाइस बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है मेडिकल डिवाइस के साथ अप्रूव है मतलब दूसरे जो बी पी इंस्ट्रूमेंट है उसके जितना अच्छा स्पेसिफिक रिजल्ट हैं इसके तो बढ़िया चीज़ है उसके मुकाबले के रिजल्ट सो गुड यू कैन डू दैट ऑल्सो और हाउ टू क्योर इज देर क्योर फॉर हाइपर टेंशन ऐसे बोलते हैं कि एक सर ऐसी दवाई मत शुरू करो, मेरे को जिंदगी भर खानी पड़ेगी तो नो 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 ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आपको ब्लड प्रेशर की दवा जिंदगी भर नहीं खानी पड़ेगी देखिए ऐसा है साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करिए ब्लड प्रेशर मुझे कम होना चाहिए बस इतना है ना मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करिए इंसान को जो है रोजाना सोना चाहिए अगर चार दिन नहीं सोगा तो कोई भी इंसान की ऐसी तैसी हो जाएगी बौखलाए बौखलाए घूमेगा पागल हो जाएगा धड़कन बढ़ जाएगी बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा उल्टी सीधी बातें करेगा दस दिन नहीं सोएगा तो पगड़ा जाएगा सो so, इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहेगा तो प्रॉब्लम होगा आपको 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 करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल इसीलिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना जरूरी है देर इज अ क्योर देर इज ऑलवेज अ क्योर एंड द क्योर फॉर ब्लड प्रेशर इज लाइफ चेंजेस बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स द कॉज इज ऑल्सो लाइफ स्टाइल अगर आपकी लाइफ ने बीमारी पैदा करी है तो लाइफ ही ठीक करेगी मगर मगर कुछ देर के लिए आराम दिलाना जरूरी है इसलिए दवाई दवाई भी उस समय आपके काम काम आएगी चाहे नींद 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 की नीन की नीन से नीन से काम आती है तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई ब्लड प्रेशर के लिए काम आती है शुगर कम करने की दवाई शुगर के लिए काम आती है लेकिन भैया लाइफ स्टाइल डिजीजे ओनली कैन ओनली बी क्योर्ड एंड दे कैन बी क्योर्ड एंड दे कैन बी क्योर्ड बाय लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइफ स्टाइल ऑल्टरेशन दे का मतलब है वो बोलते हैं वो बोलते हैं वो कौन होते हैं बोलने वाले वो होते हैं रिसर्चर्स वो होते हैं डॉक्टर्स वो बोलते हैं दे से किफ यू रिड्यूस योर वेट बाई टेन परसेंट इफ यू आर ओवर वेट एंड ओवर वेट एंड लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम आर कॉजिंग योर हाइपर टेंशन डायबिटीज एंड इफ यू रिड्यूस इट बाई जस्ट टेन परसेंट आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे मतलब एक प्री डायबिटीज नॉर्मल हो सकता है एक जरा सा हाई ब्लड प्रेशर रहने वाले की दवा बंद हो सकती है केवल किंतु परंतु आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ईट अ वेल हेल्दी लाइफ बैलेंस डाइट सॉल्ट कम खाना पड़ेगा अल्कोहल कम लेना पड़ेगा सिगरेट बीड़ी तंबाकू बंद करनी पड़ेगी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी हेल्दी लाइफ हेल्दी वेट मेंटेन करना वेट कम करना पड़ेगा और नींद अच्छी लेनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत ही में खुश रहना पड़ेगा हंस लिए हंस ये हमें, हमें कोई खुशी हो रही है मतलब हमें कोई वो हो रहा है मतलब मजा आ रहा है आपको हंसाने में हमें थोड़ी को मज़ा आ रहा है मतलब हंसो भैया आपके भले की बात है है ना तो दैट इज़ अनदर मिथ और एक मिथ आता है भैया कि वाइन बहुत अच्छी है हार्ट के लिए तो हम जो है वाइन पियेंगे और सर मैं वाइन पी सकता हूँ रोज़ मस्त मेरा हार्ट ठेक रहेगा ऐसा नहीं है सो so वाइन है बेनिफिट वाइन के बेनिफिट देखे गए हैं जैसे चाय के बेनिफिट है जाके कॉफ़ी के बेनिफिट है लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है चाय कॉफ़ी के साइड इफेक्ट भी है कॉफ़ी का बेनिफिट लिवर के लिए है थोड़ा सा नींद खुल जाती है तो बेनिफिट है तो साइड इफेक्ट भी है और भैया जी भैया जी आपके साइड इफ़ेक्ट्स ना आ जाएं इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ लिमिट में सही है तो ड्रिंकिंग अगर करते हैं वाइन वाइन पी सकते हैं वाइन इज़ बेटर दैन अल्कोहल एंड बेटर दैन अदर बियर्स एंड ऑल बट देन वाइन का भी एक लिमिट है आप उसे हफ्ते में दो बार तीन बार लीजिए एक पैग लीजिए और एक पैग का मतलब क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ले सकते हैं बहुत हो गया तो फीमेल वन मेल टू क्या या तो 12 औंस बियर 4 औंस वाइन और या फिर 30, 30 एम या 40 एम 50 फिफ्टी एमिल के दो एक के दो पैग आपके लिकर ले सकते हैं आप विस्की, रम वोक्ट का सो दैट इज दैट सेकेंड उसके बाद मिथ आता है कई लोग कहते भाई हम, हम हम नमक नहीं खाते सर हम नमक नहीं खाते तो हमारे लिए कोई हमारे लिए नमक कम कैसे हम खाते ही नहीं हम नमक ऐसा नहीं है देखिए आप जो नमक ऊपर से नहीं डालते हो उससे ज़्यादा नमक आप बाहर से जो सामान लेते हो प्रोसेस्ड फूड लेते हो चिप्स लेते हो अंकल चिप्स पंकल चिप्स तंकल चिप्स और कुरकुरे और फिर ये और फिर जो फास्ट फूड खाते हैं मैकडी मैकडोनल ये वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है सो so बाहर से जो खाए हुए खाना है उनमें सॉल्ट होता है प्रोसेस्ड फूड में होता है कॉन्डिमेंट्स में होता है टोमेटो केचप्स में होता है सूप में होता है आपके कैंड गुड से होता है इन सब चीज़ों से आपको सोडा सोडियम ये भी सारे जिसमें भी नाम ये आता है सोडा या सोडियम वो भी भैया सॉल्ट है तो सॉल्ट कहीं ना कहीं से आपके अंदर घुस ही रहा है आपको कम करना होगा बाहर का खाना घर का खाना सबसे बेस्ट है बेस्ट है और बाकी सब रेस्ट है सो सो दैट इज देयर प्लस कई लोग कहते हैं सर मेरे तो किस्मत में हाइपरटेंशन है मेरे तो मतलब मेरी मम्मी को है पापा को है मेरे तो जींस में है सर मैं क्या कर सकता हूँ कर सकते भैया ऐसा है आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप बाकी सारे बाकी सारे फैक्टर्स को टिक मार्क करिए तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा होगा तो कम होगा होगा तो जल्दी ठीक होगा तो काहे अपनी ऐसी तैसी कर रहे हो है क्या दिक्कत है आपको सेकेंड अगर आप ब्लड प्रेशर को अगर आपको हो गया तो आपको क्या रोज गिनना पड़ेगा जी हाँ कायदे से आप रोज गिने हफ्ते में दो चार बार गिने तो अच्छा है कंट्रोल रहे जितना कंट्रोल उतना अच्छा दो मिनट लगेंगे ज्यादा तो नहीं लगेंगे और बिल्कुल भी कतई भी जिंदगी भर दवा नहीं खानी पड़ती अनलेस एन अनटिल आपको सही नॉलेज हो आपको नॉलेज नहीं है तो भैया अंधेरे में काणा राजा आपको क्या कर सकते हैं फिर है कि नहीं जय माता दी सो so, और सो <laughs> so, ये सारे छोटे छोटे मिथ आपके सामने क्लियर करने थे तो कृपया भैया कृपया 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 इस साइलेंट किलर को थोड़ा सा किल करिए अपने एक एक सेकेंड दीजिए और इसमें शेयर का बटन दबाइए लाइक का बटन दबाइए और मार दीजिए शेयर लोगों को बोल दीजिए कि भैया सुन लो दो मिनट पता है मुझे तुम बहुत बिजी हो बहुत पैसे कमा लिए तुमने और बहुत 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 बिजी हो तुम लेकिन प्लीज लिसन टू दिस ऐसा बोलिए उनको ठीक है और फिर देखिए शायद चार लोगों का भला हो जाए थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी